गुड इवनिंग अभी लाइव। अमित कल्ला जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू माजा साहब, थैंक यू। आपका और हमारे दर्शकों का इस चैनल के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अमित कल्ला जी से बात करेंगे कन्वर्सिव कलर्स के ऊपर। इन कन्वर्सिव कलर्स का पेंटिंग के ऊपर क्या असर होता है और ये कन्वर्सिव कलर्स एक्चुअली होता क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। शुक्रिया माडिया साहब मुझे बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर, और ये बहुत ही मुबारक मौका है कि हम आपसे इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। दरअसल कन्वर्सिव जो कलर्स हैं, रंगों का जो है वो अपना एक 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 अपना एक लोक होता है। रंग जो है वो हम कहते हैं कि वो रंग जो है दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग तो ज्ञान की छलनी से छाने जाते हैं। रंगों का एक अपना अपना एक लोक है, अपना एक भव है, अपना एक विस्तार है। एज एन आर्टिस्ट मैं उनसे एक बहुत गहरा गहरा ताल्लुकात फील करता हूँ, और मैं अपने आप को एक कलरिस्ट भी मानता हूँ, और रंगों के साथ में एक एक लय होने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा किशोरी अमोनकर कहती हैं, हमने एक और भी जगह पे बात की थी कि उनको जो है वो राग उतरते दिखाई देते हैं, तो इसी तरह से रंगों को भी इस पूरे मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं इस वर्ल्ड ने इस प्लेनेट ने अलग अलग तरीके से कंसीव किया। रंगों की अपनी भाषा और अपना एक व्याकरण होता है, रंगों की अपनी भाषा और अपना एक व्याकरण है, रंगों की एक अपनी अपनी एक एक कॉस्मोलॉजी होती है सब, और वो उसके साथ में अपने आप को इंट्यून होना वो एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट अपनी जो एनर्जी है, अपना जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफॉर्म करता है। रंग तो वही है, लाल पीले हरे नीले सफेद काले, और उसमें हम वाइट ऐड करते हैं और अलग 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 हम उसके टोन्स बनाते हैं, लेकिन उसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, मतलब आप एक्चुअली कलर से बातें करते हैं, यू कन्वर्स विद द कलर्स, या कलर्स आपके साथ बातें करते हैं। दरअसल साहब हर आर्टिस्ट रंगों से बातें करता है, उससे उससे बात किए बिना, उससे संवाद किए बिना, उसमें गहरा उतरे बिना, उसकी तासीरों को चखे बिना हम कैसे किसी चित्र की कल्पना कर सकते हैं, या कैसे वो एज अ होल हम किसी पेंटिंग को देख सकते हैं अगर हमने रंगों को नहीं देखा। तो साइंस कहता है जी कि रंग तो होते ही नहीं है, सब कुछ रिफ्लेक्शन है, सब कुछ रिफ्लेक्शन है जी, रंग कुछ कुछ भी रंग नहीं होता। लेकिन एक कलाकार के लिए रंग एक एक जीवन होता है जी, उसका रंग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं रंग, रंग उसको उसको दिखाई देते हैं, और ये दिखना जो है ये एक अलग तरीके की अनुभूति है। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आप चाहे जैनिज्म लें, चाहे बुद्धिज्म लें, चाहे आप सियादवाद लें, लोगों ने रंगों को भीतर देखा है। बड़े बड़े योगियों ने जो है वो अपनी अपनी अवस्थाओं के अंदर डिफरेंट कलर्स की संकल्पना की है, तो अलग अलग तरह से लोगों ने रंगों को डिफाइन किया, मैनिफेस्ट किया, और मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमको उसको उसको सुनना आना चाहिए, उसके साथ में थोड़ी संगति होनी चाहिए, तब वो रंग, रंग भी राग है जी, जैसे राग होते हैं वैसे रंग होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट होना आपके लिए क्या मायने रखता है, व्हाट डज इट मीन टू यू? दरअसल ये एक बहुत बड़ा मसौदा है, बहुत बड़ा मसौदा है, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट मींस अ लॉट, इट मींस अ लॉट व्हिच कंटिन्यूअसली डिमांड्स टू बी इन द प्रोसेस ऑफ कैप्टिवेटिंग एंड विजुअलाइजिंग द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ अराउंड अस सर्टेनली, व्हिच हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड मेटाफर्स, forms, various forms of expressions. So there are lots of manifestation, where manifestation is very much important, and artists have to manifest his inner voice. So again and again, each and every time we have to explore something different, something new. We have to taste something, which is beyond our limits.
मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक इसका परिकर है, परिकर मतलब एक उसकी उसकी सरकमफ्रेंस, उसकी पेरिफेरी बहुत बड़ी है। और आर्टिस्ट होना केवल ये नहीं होता जी कि आप सुंदर सा एक चित्र बना दें, आर्टिस्ट होना एक बहुत ही जिम्मेदारियों भरा सबब है साहब, बहुत जिम्मेदारियों भरा सबब है। आर्टिस्ट अपने आप में एक एक रेवोल्यूशनरी होता है। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो सत्याग्रही है, वो गांधी का एक सत्याग्रही है। नंद किशोर जी कहते हैं कि वो उसके भीतर एक ऑलवेज वो एक 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 कंटेम्पलेशन चलता है। तो आर्टिस्ट होने के जो मायने हैं वो हम सबको समझने होंगे। आर्टिस्ट होना सिर्फ एक सुंदर लकीर को खींचना नहीं है जी, वो एक 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 होलिस्टिक यूनिवर्सल जिसके जिसके कंसर्न्स होते हैं, जो 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 हमेशा एक 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 चिंतन करता है, एक डिफरेंट लेवल पे वो संवाद करता है। तो एक ऐसे कल्पना लोक को वो रचने की जुम्बिश करता है जहां पर मौन की मात्राएं भी कुछ कहती हैं, जहां पर अभिलाषित यथार्थ के जो अपूर्ण प्रसंग हैं वो अर्थों के साथ में गहराते हैं। तो ये बहुत बड़ा बड़ा मसौदा है साहब, और मुझको तो अभी बहुत चीजें सीखनी है। ये तो केवल एक शुरुआत है, और बहुत अभी बहुत से लोगों से, बहुत से गुरुओं से, उस्तादों से सीखना है। कोल्टे सर कहते हैं, आप भी कोल्टे साहब के पास में निरंतर जाते हैं, आपसे भी वो बहुत प्यार करते हैं। तो कोल्टे साहब कहते हैं कि विषय और विचार, कि बोले तुम क्या पेंट करना चाहते हो, तुमको विषय पेंट करना है कि विचार पेंट करना है। अगर आर्टिस्ट बनना है तो तुमको उस विचार को भी जानना पड़ेगा, उस विचार के भीतर उतरना पड़ेगा, और उस विचार की जो जो सूक्ष्मता है उसके साथ में अपने आप को संगत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक बड़ा मसौदा है साहब, ये बड़ा मसौदा है, होलिस्टिक आपने है। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की आपने एक आर्टिस्ट की कि एक जो चित्रकार है उसके मन में कितने तरह के ख्याल आ सकते हैं और कितने तरह के ख्याल आने चाहिए कि वो उन ख्यालों को या उन विचारों को एक कैनवास के ऊपर उतार सके। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्थेटिक नोशंस फॉर यू एंड हाउ यू रियलाइज दैट एसेंशियल थ्रू योर आर्ट वर्क। आपको एसेंशियल बेसिकली जी जी बेसिकली आपके फॉर मी चित्रों में वो कैसे दिखता है ना, एक्चुअली तो फॉर मी इट्स प्योरली अ प्रोसेस, फॉर मी इट्स प्योरली अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, यू नो, मेडिटेशन ऑन विच आई मेडिटेट। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग समथिंग आउट फ्रॉम इट, और जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे मूड्स हैं, बहुत सारे टोन्स हैं, और वो जो एक्सप्लोरेशन है वो एक रियल काइंड ऑफ वहां जहां पर एक सिम्बायसिस है, एक ब्रिज है वहां पर, जो कि इंडिविजुअल को कॉस्मस से जोड़ता है, यूनिवर्सल से जोड़ता है। और एस्थेटिक्स के अपने अपने मायने होते हैं साहब। एस्थेटिक्स एक एक आपको अलग अलग नाम और रूपों में मिलता है। वो जरूरी नहीं है कि वो चित्रकार के स्टूडियो में ही हो, या चित्रकार की पेंटिंग में हो, या किसी स्कल्प्टर के पास में हो, वो जीवन में भी होता है। हमारे एक मित्र हैं जो कोरियन क्यूरेटर हैं, इनसेन सॉन्ग, वो अब ह्यूमन एस्थेटिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये एस्थेटिक्स का, आर्ट एस्थेटिक्स का तो गया अब समय, मतलब अभी है वो, रेलिवेंट है, लेकिन अब हमको ह्यूमन एस्थेटिक्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्ट भी एज अ ह्यूमन है। और एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं साहब, रविंद्र शर्मा जी, जो स्कल्प्टर थे, आदिलाबाद में रहते थे, वो कहते थे जी कि ये एस्थेटिक्स को आप समझिए, ये क्योंकि अगर एस्थेटिक्स नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में वो स्टेटस का जो है वो बीमारी आके बैठ जाएगी। तो एस्थेटिक्स मुझे लगता है कि आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वेपन है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को क्या कहें हम, निखारने का। और कलाओं की अगर सही अर्थ में लज्जत लेनी है, और कलाओं को सही अर्थों में जानना है, उससे उसको देखना है, तो हमको एस्थेटिक्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके साथ में इंट्यून होना जरूरी है। और ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी परंपराओं से यहाँ पर लोगों ने एक्सप्लोर किया है। आप कश्मीर शैविज्म की अगर बात करें, भरत मुनि ने जो टेक्स्ट लिखा, नाट्य शास्त्र लिखा, उसके अंदर में वो एस्थेटिक्स की बात करते हैं। अभिनव गुप्त एस्थेटिक्स की बात करता है। कितने स्कॉलर्स हुए हैं साहब, वो सभी उस एस्थेटिक्स को की बात करते हैं। और एस्थेटिक्स मूल आधार है कलाओं का, और सब सभी कलाओं का मूल आधार है। वो केवल काव्य का आधार नहीं है जी, वो विजुअल आर्ट्स का है, वो सिनेमा का आधार है, वो थिएटर का आधार है। तो सभी कलाओं में वो एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं उपस्थित होता है, और कलाकारों को उसके साथ में इंट्यून करना पड़ता है। आप जैसा
जैसा जीवन को जीते हैं उस जीवन में भी एक एस्थेटिक्स होता है। तो इस एस्थेटिक्स को आप अपनी चित्र में या अपनी पेंटिंग्स में कैसे उतारते हैं? देखिए, मैं तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूं और मेरे लिए तो वो अनुभूति इंपॉर्टेंट है साहब, अनुभूति। मेरे जो फॉर्म्स हैं उस फॉर्म्स में मैं उसे कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति पाता हूं, और वो केवल एक 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 एक, एक क्लिक नहीं होता साहब, वो एक एक लंबी प्रक्रिया है। हम और आप जो बात कर रहे हैं तो अभी भी पेंटिंग बन रहा है, अभी भी हम उस पेंटिंग ही में जी रहे हैं, उसके उसके अंतरालों के साथ में हम कहीं ना कहीं उसको फील कर रहे हैं। तो ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और जो कि यही उसकी ब्यूटी है साहब, यही उसकी ब्यूटी है। हाँ, आप ये जो आपके आर्ट के फॉर्म्स हैं ये आपके आर्ट वर्क में काफी आते हैं। हाउ डू यू रिलेट योरसेल्फ विद दीज आर्ट फॉर्म्स एंड स्पेसिफिकली विद योर पेंटिंग्स? हाउ डू यू रिलेट? जी देखिए, रिलेटिविटी तो मैं वही फिर से उसी रंगों पे आ जाता हूं। वो जो रंग हैं, वो रंग कहीं ना कहीं वो रिलेटिविटी देते हैं। पहले पहले जो जब मैं पेंटिंग करना करता था, स्टार्टिंग की जो पेंटिंग्स है उसमें मोनोक्रोमेटिक थे जी, वो कहीं पे भी रंग नहीं थे, और मोनोक्रोम में हम एक एक वर्ल्ड को खोजने की कोशिश करते थे। तब एक ऐसा आइडिया रहता था मन में कि भाई मिनिमम में मैक्सिमम को एक्सप्लोर करें। अब यह है कि बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रंगों की एक एक, एक बौछार है, उसमें तर बतर है, तो वो रंग भी मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को जानने का अवसर देते हैं, अपनी एक उपस्थिति देते हैं। और धीरे धीरे जब ये दरअसल साहब एक साधना है, साधना, और हर कलाकार को अपने अपने ढंग से अपनी प्रक्रिया से उस साधना को करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी, उसमें जो ऊर्जा है वो मेरा मेरा पक्ष है। मैं अपनी ऊर्जा को उसमें ट्रांसफॉर्म होता हुआ पाता हूँ, और उन उन फॉर्म्स के साथ में जो बैलेंस है, उसके साथ में जो 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 उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसमें जो इंटरलॉकिंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस चित्र में मैं कहीं उपस्थित हूं कि नहीं हूं, वो मैं खोजने की कोशिश करता हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब आप इसमें आ चुके हैं या आप उसको 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 अनुभव कर रहे हैं, वो पेंटिंग अपने आप कहती है कि जी अब मैं कंप्लीट हूं, और वो निरंतर वो चलता रहता है, एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां आपको रुकना है। अच्छा, अभी ये तो है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे अभी एक जैन मुनि थे सर, बहुत बहुत बड़े मुनि थे, क्षमा सागर जी, उनकी एक कविता याद आती है। वो बहुत बड़े मुनि थे, वो बड़े इंजीनियर भी थे, सब छोड़ के वो जैन मुनि बन गए। तो उन्होंने लिखा है कि अभी तो चलने की आवाज आ रही है, अभी मुझे और धीरे चलना है। तो वो कमाल की कविता थी, तो वो ठहरना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग? डू यू माइंड शेयरिंग सम of your creations about social distancing? Sir, actually it's a real time. It's real time. Although it's very tough, you know, it's very tough. There is a huge, you know, pandemonium outside. But we have to keep patience. Sare artiston ko patience rakhna hai abhi. And it's the real time to feel. It's real time to ponder. It's real time to believe. It's real time to reflect. It's real time to support each other. So it's very, very prominent time, very impetuous time. So we have, all artists have to utilize this period. This is the period of sadhana. ये sadhana का समय है, और उसमें अपने आप को, लोगों को, हम सभी को उसके साथ में इन्वॉल्व होना है और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि बहुत कुछ रचा जा रहा है साहब, बहुत इतना कुछ रचा जा रहा है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। जब ये दुनिया खुलेगी तो पता नहीं क्या हमारे सामने आएगा इतने कम समय में। क्योंकि मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, कलाकारों को देखता हूँ, अपने से बड़ों को देख रहा हूँ, छोटों को देख रहा हूँ, सब एक क्रिएटिव प्रोसेस में लगे हैं। बहरहाल वो अपना अपना सबका होता है, हम ये नहीं कह सकते ये ऊपर है ये नीचे है,
वो सब छोड़ दें, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी में लगते हैं, तो उस क्रिएटिविटी को हम सलाम करते हैं, और इस समय ने आपको वो ठहराया है, जिस ठहरने की साहब अभी आप बात कर रहे थे, तो इस समय ने सबको ठहराया, ये ग्लोबली सब हम ठहरे, तो उस ग्लोबली जो जो ये ठहराव का जो वाइब्रेशन है उसको सबने फील किया और अपने अपने तरीके से उसमें रिफ्लेक्ट किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो ये पूरे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा समय है क्रिएटिविटी का, बहुत बड़ा समय है कंटेम्पलेट करने का, बहुत बड़ा मतलब इसके बहुत से अर्थ हैं, इसके बहुत से कैनोटेशंस हैं, तो हम तो बस अभी उसको उसको जान पाए, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी देखिए कि पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आएगी, कितनी कविताएं रची जा रही है, जो कितना कुछ चित्र बन रहे हैं, कितना कितना थॉट प्रोसेस लोगों को सामने आ रहा है, हम कभी सोच नहीं सकते, हम आप और हम ऐसे बात करेंगे और हमारे इमोशंस को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इंसान ने उन इमोशंस तक को ट्रांसफॉर्म करना सीखा, तो ये सीखने का समय है, ये लर्निंग का समय है, ये कंटेम्पलेट करने का समय है, ये जो है ये बिलीव करने का समय है, ये एक दूसरे से के विश्वास देने और विश्वास लेने का समय है, मुझे ऐसा लगता है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा भी ऐसा मानना है कि पिछले तकरीबन 3-3.5 महीनों में कला के अंदर या चित्रकला के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो फुल टाइम आर्टिस्ट हैं उनको एक बहुत वैक्यूम का अनुभव हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने नए तरह के काम किए हैं। उन्होंने जो पुराने करते आ रहे थे उसके अलावा सोच करके, जो सोचने का जो अभी समय मिला उसको लेकर के बहुत अच्छे अच्छे नए नए काम किए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जब भी खुलेगा, या अगर नहीं भी खुलेगा, कुछ समय और भी लगता है, तो ऑनलाइन अपने को बहुत अच्छे 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 काम देखने को मिलेंगे। जी अब आर्ट सर, बात आर्ट कर सबको हील कर रहा है, आर्ट हील कर रहा है, आज जो जितने भी पेन्स हैं, जितना ग्रिफ जो क्रिएट हुआ, जितना मतलब एक हम ये कहें कि एक 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 जो टर्बोइल जो बना, उसको उसको हील किसने किया साहब? उसको हील कोई कोई स्विस बैंक्स ने नहीं किया, वहां पर आपके आपकी मर्सिडीज काम नहीं आई, वहां पर लोगों ने क्रिएटिविटी के साथ में चीजों को बाहर लाए, वो अपने आप को बाहर लाए और अलग अलग मतलब एक क्रिएटिव फॉर्म्स में एक्सप्रेशन एक्सप्रेस हुई, तो ये एक बहुत बड़ा था साहब, ये बहुत बड़ा समय है जो कलाओं ने लोगों को हील किया है, ये बहुत बड़ा काम किया। अस्पताल खाली रहे है ना, लेकिन लेकिन कलाकारों के यहाँ पे एक एक संगतें बनती रही, वहां पे मजमे चले, तो ये एक अलग मामला था। हाँ। और ये सिर्फ चित्रकला के नहीं, साथ नहीं, हर तरह की जो कला है, जो नॉर्मल कलाएं हैं, हर एक के अंदर प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ है। लोगों ने हजारों जी बिल्कुल कविताएं बिल्कुल बताई हैं, बनाई हैं, सुनाई हैं। एनीवे अमित जी, मैंने जी सर आपकी कई पेंटिंग्स देखी हैं, आपकी काफी सारी पेंटिंग्स देखी है मैंने। आपकी पेंटिंग्स में बहुत सारे चमकदार रंग होते हैं। आप उस चमकदार रंगों को आपकी पेंटिंग के अंदर किस तरह से परिभाषित करते हो? देखिए रंग जो है ना, रंगों का मैंने पहले भी कहा, हमने स्टार्टिंग से कहा कि भाई रंगों की अपनी एक भाषा है, एक अपनी उसकी एक परिभाषा होती है, अपनी एक तासीर है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ लाइंस हैं, उनको अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद उसमें हम कुछ कुछ खोज पाए। उसमें है कि रंग रचते हैं अनंत आकाश, लहर दर लहर दरियाव और तपती रेत का मखमली विस्तार, वाह फूलों वाह की वाह, बेला पर होकर सवार छिड़कते मोहब्बत का इत्र बेमिसाल, रंग तय करते मौसम के मुकम्मल मुकाम, यायावरों फिरदौसों की जमात, जंगलों के जाल रेशमी धागों पर सरकते अल्फाज और मन में उठते रूहानी जज्बात, रंग रेखाएं बुनते वाणी राग बोलकर अरदास के अर्थ रचते हैं, खुली जुबान पर लंबी लकीरें खींच कागज पर कोयल का किला गढ़ते हैं, रंग रोशनी में नहाते काली रात की दीवानगी में तर बतर होकर सरे राह अपने माजी का दामन थामते हैं, रंग राग होकर निसारते अपना बाना, नेपथ्य की निगेबानी करते हैं,
रंग रहस्य रचते, तितली की बिंदिया बन सांस दर सांस तिलिस्म तय करते हैं, रंग यकीनन रहस्य रचते। तो रंगों में मैंने एक रहस्य को पाया है। और पहले नेचुरल कलर्स भी बहुत से उनमें भी काम किया, उनको एक्सप्लोर किया। यहाँ पे जयपुर में सिटी पैलेस है तो वहां पर मैं गया जी, रंगों को मुझे सीखना चाहता हूँ, नेचुरल कलर्स को जानना चाहता हूँ। लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन थे जी, और हमारा जो स्वभाव था उसमें हमें पैलेट बहुत बड़ा चाहिए था, क्योंकि मैं बड़े काम करता हूँ तो मुझे मुझे प्लेफुलनेस चाहिए थी उन रंगों में। तो फिर वहां पर हमारी दाल नहीं गली, तो फिर वापस लौटे और लौट कर अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लोर किया, अपने तरीके से नए नए रंगों की रंगों को खोजा और उनको एक्सपीरियंस किया। और बड़े जो उस्ताद लोग थे उनसे उनसे पूछा, उनसे 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 जाना कि कैसे हम नेचुरल कलर्स में काम कर सकते हैं, कैसे मतलब छोटे छोटे से जो जो आपकी औषधियां हैं वो आपको उनसे आप रंग निकाल सकते हैं। रसोई जो है वो एक रंगों का एक बड़ा खजाना है, और जयपुर इटसेल्फ एक बड़ी मंडी है साहब, यहाँ पे दुनिया भर से रंग आते हैं और मिनिएचर का एक ट्रेडिशन रहा है जयपुर में, राजस्थान में, तो हमें यहाँ पे वो रंग अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो उनके साथ में एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखा। लेकिन क्या होता है कि हर रंग जो है वो आपके मिजाज के अनुसार होता है, मतलब रंग तो वही होते हैं, आप जिससे लगाएंगे वो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा, हम लगाएंगे उसका अलग इम्पैक्ट आएगा, कोई तीसरा लगाएगा उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। तो ये इसको इसको ये बड़ी सूक्ष्मता से हमको समझना समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में हम एक रस एक लय होना, उसके उसके अंतर्नाद उसकी ध्वनि को सुनना उसके साथ में, ये बहुत बड़ा एक मसौदा है जिसे हर आर्टिस्ट अपने अपने स्तर पर करता है। और भारत ने बहुत बहुत रंगों में बहुत प्रयोग किए जी, आज भी नए कलाकार अलग अलग रंगों में प्रयोग कर रहे हैं। अपने यहाँ पे बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वैरायटी है, बहुत कुछ है जी, इतनी, जी इतने मिनिएचर्स देखो जी सर। आपने नेचुरल कलर्स पे भी काफी काम किया है जी, उसके बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए ना। देखिए वही वही मैं बात कर रहा था। तो नेचुरल में ये होता है कि एक तो आप फ्लावर्स से कलर लेते हैं, फूलों से रंग आते हैं। ऐसा हमारा मानना है जी कि जहां पे रंग दिख रहा है आपको, मतलब जो प्लास्टिक रंग नहीं हो, जहां जहां पे रंग दिखता है वो रंग आप उसको ले सकते हैं। वो चाहे फूलों में हो, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे पत्थर में हो, चाहे पेड़ में। तो एक तो सोर्स है फ्लावर्स, फूलों से पत्तियों से रंग लेते हैं, जिसमें बहुत से मसाले भी इंक्लूड हैं, जो जो कि जो कि जो कि फ्लावर्स से आते हैं, वेजिटेबल्स से आते हैं, फूलों से आते हैं। और एक रंग आते हैं मिनरल्स से, जो जितने भी मिनरल्स हैं, ओर्स जो होते हैं, आयरन ओर है, उसमें से रंग निकलता है। तो ये दो मोटे हमारे सोर्सेज हैं। और प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से लोग जो है ये प्रकृति से रंगों को लेते आए हैं। और जो विशेषकर बुद्धिस्ट जो तिब्बतन जो टेक्निक्स हैं, जो टंका पेंटिंग्स हैं या मिनिएचर का जो ट्रेडिशन है, वहां पे बहुत बहुत प्राकृतिक रंग लोगों ने काम में लिया है और उसको उसको सीख लें बस हम थोड़ा सा, तो ये हो जाता है। ये कोई बड़ा वो नहीं, हम अभ्यास करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, नए नए तरीके से खोज के उन रंगों को बाहर ला सकते हैं। जहां पर भी रंग दिखता है वो आपके लिए है जी, बस ये है कि आप अपने अपने भीतर को और उस रंग को थोड़ा सा ट्यून करें, मतलब उसकी तासीर के साथ में, उसके प्रति आप प्रकृति के प्रति हम्बल रहें कि हम उनसे कलर ले रहे हैं। हम तो वो रंग अपने आप वो रंग देते हैं। इसमें दो तीन प्रोसेस है कि उसका एक बाइंडिंग होता है, उसका उसको कुछ कुछ रंग हम ग्राइंड करके लेते हैं, कुछ रंग हम उसको उबाल के निकालते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम रंगों को पा सकते हैं। और ये रंग जो है ये बहुत, अगर हम कंपेयर करें ये पैसे की तुलना से, तो ये सस्ते होते हैं, इतना महंगा नहीं होता ये रंग। और इसकी इसकी सस्टेनेबिलिटी भी है, इसमें अगर बाइंडिंग एजेंट हम अच्छा डालते हैं तो ये रंग अच्छे सस्टेन करते हैं। और उसका इम्पैक्ट कमाल होता है साहब, क्योंकि जो जो आपके भीतर है, जो हमारे भीतर जो पंच तत्व हैं, वही उस रंग के भीतर होते हैं। उसमें भी पानी है, उसमें भी हवा है, उसमें भी एक आकाश का तत्व है, उसमें भी धरती का तत्व है। तो जब वो उसका हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन में बहुत मजा आता है। और मैं तो मुझे तो लगता है कि जैसे एक स्ट्रोक ही कभी कभी काफी होता है, वहां पे रेंडरिंग की जरूरत नहीं होती, वो स्ट्रोक की बड़ी बड़ी ताकत बन जाती है। तो वो लिविंग होता है, वहां पे सांस लेते हैं ये प्राकृतिक रंग।
ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपके हिसाब से प्राकृतिक कलर और ये जो आजकल केमिकल सिंथेटिक कलर्स आते हैं, उनमें मेजर फर्क क्या होता है? नहीं, फर्क तो है सर, फर्क तो है, फर्क तो देखिए, ये जो है ये ओपेक ज्यादा है, मतलब इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है प्राकृतिक रंगों में। ये इसकी एक लिमिटेशंस है। प्राकृतिक रंगों को बनाना थोड़ा सा टफ होता है, ये जो हमारे सिंथेटिक कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर्स हैं, ऑयल कलर्स हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, ये तुरंत आप इनको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैनवस के ऊपर प्राकृतिक रंगों को लगाना और उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें आपको ट्रीटमेंट बहुत करना पड़ता है। अपने देश में भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, नए आर्टिस्टों में, जैसे सिद्धार्थ भाई हैं, सिद्धार्थ जी, आर्टिस्ट सिद्धार्थ, दिल्ली में जो रहते हैं, नोएडा में अब तो उनका स्टूडियो है, तो वो बहुत मास्टर है सब टेक्निक्स के। और बहुत से मिनिएचर आर्टिस्ट हैं राजस्थान में, जो फड़ पेंटिंग बनती है, जोशी परिवार हमारा, वो भी प्राकृतिक रंगों को काम में लेता है, वो कैनवस वगैरह पे भी काम में लेता है। तो पेपर वगैरह पे तो बहुत आप आसानी से इन रंगों को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कैनवस पे इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा आपको सीखना होगा, उसको कैसे हमको यूज करना है। और बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से सोर्सेज हैं, हर हर मैं तो ये कहता हूँ जी कि जहां पे रंग मिलता है उसमें से आप कलर निकाल सकते हैं। एक हम लोग एक बेस कलर बनाते हैं, उसमें दूसरे रंगों को थोड़ा थोड़ा सा डाल लेते हैं, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। और लेकिन हम सब में काम करें, ऐसा नहीं है जी कि मैं प्योरली प्राकृतिक रंगों में ही काम करता हूँ, मैं ऑयल्स में भी काम कर रहा हूँ, मैं एक्रिलिक्स भी कर रहा हूँ, कभी मन करता है कि स्कल्पचर करना है तो स्कल्पचर भी करते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा फील्ड है साहब, बड़ा फील्ड, और जितना खोजना है, ये एक समय है, जितना खोज पाए उतना हमको खोजना है। एक अथाह दरियाव है जिसमें जो जितना गहरा गोता लगाएगा वो कुछ कुछ पाता है, लेकिन इसकी थाह कोई नहीं ले सकता साहब, अनंत है। आपका खुद का जयराम पटेल से कितना गहरा संवाद होता था, कितना वो कैसी गहरी बातें वो कहते थे, तो ये उनकी कही भी बातें बिल्कुल सच है साहब, ये अथाह है। इसमें तो जो करे जितना कम है साहब, जितना करे उतना कम है। और हर दिन कुछ नया सीखना है, हर पल नया सीखना है। कहते हैं ना कि कबीर कहते हैं कि जी एक जन्म तो आपको जो पेरेंट्स ने दिया है आपके, और एक जो बाकी जो है आपको हर दिन अपने आप को नया जन्म देना पड़ता है। हम न मरही मरही संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। तो ये रंग, ये रेखाएं, ये फॉर्म्स, ये टेक्सचर्स, ये एलिमेंट्स, ये यही मेरे लिए तो जिलावन हारा है जी, ये मुझे हर दिन एक नया जन्म देते हैं। इसके साथ में अभी ये पीछे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इस तरफ, तो ये शुरू की है, इसको 2 दिन हुए शुरू किया है, अभी ये कहाँ तक यात्रा जाती है, इसको ऐसा रखा गया था कि आप सब देख सकें। तो ये एक बड़ा कैनवस है, पूरा रोल है लंबा, पूरे रोल पे अब प्लेफुलनेस के साथ में खेल रहे हैं उसको कैसे। और 3 दिन तक तो मैं स्तब्ध रहा, बिल्कुल एक शॉक में था कि मैं इससे कैसे बात करूं, क्योंकि जो जो एम्प्टीनेस थी उसका, जो 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 खालीपन था, जो सफेद सफेद जो तत्व था, वो उसके साथ में संवाद चल रहा था कि जी अब इसको कैसे मैं रियलाइज करूं। तो फिर मुझे प्रभाकर बर्वे साहब की एक बात याद आई कि भाई पेंटिंग क्यों कर की जाती है, एक चित्रकार चित्र क्यों बनाता है। तो वो मेरे मन में वो बात हॉन्ट कर रही थी, बार बार स्ट्राइक कर रही थी कि जी मैं पेंटिंग क्यों कर रहा हूं। तो वो खाली जो स्पेस था वो भी विचार करने की तरफ प्रेरित करता है कि आप विचार करें, आप देखें, आप समझें, फिर शुरू करें। और हर कैनवस की एक जर्नी होती है। एरिस्टोटल और ग्रीक फिलोसोफर्स की माने तो जी ये सब कुछ तो मैनिफेस्टेशन है, ऑलरेडी सब कुछ है यहाँ पे। तो ये है साहब, ये कहीं फिलोसफी आता है, कहीं साइकोलॉजी आता है, कहीं इतिहास निकल के आता है, तो ये कहीं लिटरेचर आता है, कहीं शब्द आते हैं, तो ये एक होलिस्टिक का सब चीजों के साथ में प्ले करते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, गहरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो मजा मजा आता है जी, तर बतर जिसको कहते हैं ना, तर बतर हो गया। अभी अगर मान लीजिए कि संसार से जाना है तो मुस्कुरा के जाएंगे कि नहीं यार, हमने कुछ 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 रंगों की संगत की, कुछ रंगों को हमने छुआ, कुछ चखा, तो फुलफिलनेस का ये अनुभव देते हैं कलाओं में, वो शक्ति है साहब। ये कलाएं बहुत बहुत कमाल की चीज है कला। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अमित जी, आप जी सर चित्रकार भी है जी। और आप एक कवि भी है, शब्दों को भी बहुत अच्छी तरह से एक व्याख्या कर लेते हैं। अभी आपको एक कवि कहा जाए या चित्रकार कहा जाए?
ये दोनों चीजों को आप नहीं, कैसे अब बैलेंसिंग कर पाते हैं? मैंने कहा ना साहब कि अभी जैसे कबीर वाली बात कि हम अपने आप को हर दिन नया हमें जन्म देना होता है। और दरअसल पेंटिंग्स जो है वो मेरे लिए विजुअल पोएट्री है। पेंटिंग्स वो एक तरीके की विजुअल पोएट्री है जिसको मैं देख सकता हूँ, एक ऐसी दृश्यात्मक कविता है चित्र। और जो 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 पोएट्री है वो एक तरीके की पेंटिंग है। और वैसे दोनों के जो अपने अपने अपनी अपनी सत्ताएं हैं वो बहुत अपनी अपनी जगहों पर है। हम उनको बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली मिला नहीं सकते, लेकिन वो दोनों अलग भी नहीं है। तो जब जब रंग कभी खत्म होते हैं तो शब्दों का दामन थामता हूं, जब शब्द खत्म होते हैं तो रंगों की संगति होती है, रंगों की संगति होती है। साउथ के बहुत बड़े पोएट थे अय्यप्पा पणिकर, मलयाली भाषा के बहुत बड़े पोएट थे। तो वो कहते थे जी कि कविता जो है वो एक बीज है, बीज एक बीज है, उसके अंदर उसकी एक अपनी पूरी कॉस्मोलॉजी होती है। तो शब्द हमें मदद करते हैं अच्छा चित्र बनाने में, शब्दों से एक प्रेरणा मिलती है एक अच्छी पेंटिंग बनाने में, और पेंटिंग मदद करती है एक अच्छी अच्छी कविता लिखने में। बहुत बड़े जो कला इतिहासकार हैं और कला के विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे तो बहुत प्रेरणा देते हैं, उदयन वाजपेयी। तो उदयन जी कहते हैं कि ये जो कलाएं हैं, एक कला दूसरी कला को अगर संगत करती है, उसके साथ में आती है, तो वो उसको निखारती है। तो ये सर मेरे को तो पेंटिंग बनाने में जो है पोएट्री बहुत मदद करती है, और पोएट्री लिखने में ये पेंटिंग मदद करती है। तो मैं दोनों को उनको कभी अलग अलग नहीं देख पाता, और उनको अलग अलग देखता भी हूँ। वो इंडिविजुअल होके भी एक एक यूनिवर्सल उसकी अपनी अपील होती है, और बहुत सुंदर, मतलब कमाल है जी। उसको 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 व्याख्या नहीं कर सकते, उसको बहुत मुश्किल है उसको व्याख्यायित करना। वो मैं रियल नहीं रह पाऊंगा अगर मैं उसको व्याख्यायित करूंगा, तो वो फील करने की ज्यादा चीज है। हाँ, अपन देखिए ना, आप सबसे अच्छे हिंदुस्तान के गीतकार या जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं अपने, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ अपना पूरा जीवन पेंटिंग को समर्पित कर दिया। तो पेंटिंग में जितने वो ऊपर आए या अपने कविताओं में जितने ऊपर आए, उतने ही ऊपर वो अपने चित्रकला में भी आए। उन्होंने दोनों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके और एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के बहुत आगे बढ़े। अब आप बताइए, आपको कौन से चित्रकार प्रेरित करते हैं या प्रेरणा देते हैं? सर मुझे दरअसल काफी सारे ऐसे चित्रकार हैं जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ। मैं एब्स्ट्रैक्शन से मेरा एक एक अलग किस्म का नाता है, क्योंकि मैं उसे मैनिफेस्ट करता हूँ अपने कैनवस पे। तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ज्यादा ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनसे उनसे मुझे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। जिनमें जिनमें मुख्य तौर पे, जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, तो जे स्वामीनाथन मुझे बहुत अपील करते हैं। स्वामी की जो पेंटिंग्स है, उनका जो 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 रंगों को बरतना है, उनका जो जीवन को बरतना है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। रजा साहब के जो चित्र हैं वो मुझे बहुत बहुत प्रेरणा देते हैं। रजा साहब बहुत बहुत कमाल का है, उनकी जो रजा के जो चित्र हैं, या रजा का जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से उन्होंने देखा चीजों को, या शून्य को जैसे देखा, फिलोसॉफी को जैसे पेंट किया, या हिंदुस्तान को जैसे एक्सप्लोर किया, वो एक मुझे प्रेरणा के लिए मेरे सबब हैं। मुझे कोल्टे साहब, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, जो प्रत्यक्ष गुरु हैं मेरे, जिनको, तो कोल्टे साहब के जो चित्र हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। गायतोंडे, अखिलेश जी जो कहते हैं कि गायतोंडे जो है वो कलाकारों के कलाकार है, देखिए कितनी बड़ी बात है सब गायतोंडे के लिए। हाँ, गायतोंडे तो कलाकारों के कलाकार है जी। वो कलाकारों को जिन जो सबसे प्यारा है वो गायतोंडे है। तो मुझे गायतोंडे की पेंटिंग्स बहुत इंस्पायर करती है। अंबादास की पेंटिंग इंस्पायर करती है मुझे। अखिलेश जी की पेंटिंग इंस्पायर करती है। हेमराज के जो चित्र हैं वो मुझे बहुत बहुत ताकत देते हैं। पंकज मानव के जो ड्राइंग्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहब, बहुत सारे लोग हैं। और मुझे तो मैं उस उन उन बहुत क्या कहूँ जी, उन 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 एक टर्म जो कहते हैं ना, भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको बहुत सारे गुरु मिले हैं साहब। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ, बहुत सारे गुरु, और ऐसे ऐसे गुरु मिले कि कान पकड़ पकड़ के सिखाया कि सीख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम सीखो इस चीज को।
देखिए ऐसा इस जीवन में कहाँ होता है जी, इसी देह में, इसी जन्म में और इसी समय में मुझे ऐसे लोग मिले, तो उन्होंने सिखाया, और मैं किन किन का मैं शुक्रिया अदा करूं, किन किन के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। अमित जी, आपसे वार्तालाप जी करने सर, का बहुत आनंद आया, जी और सर, सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने जो सुनने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ आपसे ग्रहण किया होगा। अब एक अंत में क्वेश्चन पूछता हूं कि आप जी सर, आईसीएसई से कुछ समय से जुड़े हुए हैं, आपने आईसीएसई का एक कैंप भी अटेंड किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपके कैसे अनुभव रहे? आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या अनुभव करते हैं? सलाह तो क्या है जी, अब कोई हम तो उस दहलीज पर नहीं है जहां पर हम अपनी नसीहत या वसीयत दे सकें। मैं तो बस अपना जो अनुभव है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि अनुभव, और क्योंकि वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है जी कि आर्टिस्ट जहां पर भी जाता है कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो आपके जब हम वहां पर आए, कैंप को किया, तो सोचा नहीं था कि मैं इतनी पेंटिंग्स बनाऊंगा। मैंने शायद 4 काम बनाए वहां पे, जबकि बनाने मुझे 2 काम ही थे, पांच क्योंकि पांच पांच उस 5 काम बनाए जी। और पांच वो कितना स्पॉन्टेनियस हुआ था, कितना स्पॉन्टेनियस हुआ, कितनी कितनी एनर्जी को फील किया आपके साथ में वहां पे हमने उस स्पेस में। तो आपके स्पेस की एक अपनी एनर्जी थी, आपका जो पॉजिटिव एक रवैया था कलाकारों के प्रति, जो जो सम्मान था, या जो जो एक कोऑर्डिनेशन था, वो सारी सारी चीजों ने मिलके एक बहुत सुंदर अनुभव को बनाया। और उसने उसने एक पायदान कहीं ना कहीं ऊपर ही उठाया, और जिसको हमने रियलाइज किया अपने कामों में, उसको रिफ्लेक्ट किया, और फिर से जब अपन उसका रिव्यू करते हैं जब हम, तो कुछ कुछ नया लेके आए। क्योंकि जो एक ब्लैक एंड व्हाइट और येलो टोन में जो पेंटिंग बनाई थी, उसके बाद में वहां से एक नई यात्रा शुरू हुई, और उसको मैंने पूरे समय में अपना उसको पूरे समय में कैरी ऑन किया। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि थी। और सबसे बड़ा है जी कि आप भी उसी प्रक्रिया में बिलीव करते हैं, आपके लिए भी कोई प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे। तो ये रेसिप्रोकेट हो रहा था सारा, जो जो कहेंगे कि जो एक अच्छे भाव थे वो रेसिप्रोकेट हो रहे थे, कलाकारों के अच्छे भाव रेसिप्रोकेट हो रहे थे। और ये केवल मैंने ही फील नहीं किया, वो सभी लोगों ने फील किया, वो सभी जो इतने भी आर्टिस्ट थे, हमारी बात होती थी तो सबने उसको फील किया, और सबके लिए वो अनुभव जो है वो एक 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 सार्वजनिक बना। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज थी जी। पेंटिंग तो बनती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जीवन को के साथ में हमारा कैसा ट्यूनिंग होता है वो इम्पोर्टेंट है, और वो हमने उस रस को वहां पे पाया, और उसको गहराई से समझने की समझा। और ये हमारे लाइफ में एक कहीं ना कहीं थॉट के लेवल पे, एक व्यक्तित्व के लेवल पे, एक एक क्या कहें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लेवल में, ये ऐसे कैंप्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं साहब, सीरियसली बहुत कंट्रीब्यूट करते चलो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे वार्तालाप करके मुझे ही नहीं हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा, और आशा करते हैं कि किसी दूसरे दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत जरूर धन्यवाद। सर, जरूर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।